चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द सर्किट गिवन द करेक्ट रिलेशन टू बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इज, क्या होना चाहिए? ये तो होता है जनरली दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होता है, इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू इन दोनों का रेशियो के इक्वल होता है। तो पी बाई आर इज इक्वल टू एस बाई क्यू, ये रिलेशन होता है ना जनरली फिगर में, आर और एस और पी और क्यू की पोजिशन चेंज कर दिया है, तो आपको इस तरह से नहीं सोचना है, आपको पी अपॉन दिस दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस का रेशियो इक्वल होना चाहिए, तभी जी में करंट फ्लो नहीं होगी। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो उसके लिए पी अपॉन आर यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल होना चाहिए। तो कहीं है ऑप्शन सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, पी अपॉन आर इज इक्वल टू एस बाई क्यू, ठीक है, यही वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। लॉजिक समझ में आ गया ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एस को इधर भेज दें आर को इधर भेज दें तब भी सही होगा, पी बाई एस इज इक्वल टू आर बाई क्यू, अगर ये भी ऑप्शन सिर्फ दिया होता तो भी ये सही हो जाएगा, पी बाई एस इज इक्वल टू आर बाई क्यू। देखो यहाँ पर पी बाई क्यू है, एस इधर लाओगे क्यू ऊपर चला जाएगा, तो क्यू बाई आर नहीं आएगा इधर, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत है, ठीक है ना, ये भी गलत है, ठीक है, करेक्ट है, तो सी वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है।